हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आशुतोष। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंग्लिश नहीं बल्कि साइंस का बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आज सोचा क्यों ना हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 2 है, क्योंकि चैप्टर 1 उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 8 का है, IIT फाउंडेशन बुक का है, पियर्सन का है, जो काफ़ी ही रिनाउंड बुक है ना। और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। यहाँ फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, फो का मतलब एनिमी कह सकते हो आप, है ना, फ्रेंड का एंटोनिम। तो आज के लेसन में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वायरस के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, और मतलब क्या है वायरस वो जानेंगे, और ये भी पता करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, प्लेस वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। बाकी का जो लेसन्स है वो हम मतलब दूसरे पार्ट में इसके करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में ये वीडियो बनना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो आज इतना कवर कर पाते हैं करते हैं, और बाकी अगले पार्ट में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो द मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आर बॉडी आर प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगाई एंड बैक्टीरिया एंड वायरस। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल, फॉर एग्जाम्पल दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आर लार्ज इंटेस्टाइन दैट सिंथेसाइज विटामिंस एंड अलाउ देम टू बी अब्सॉर्ब इन टू द ब्लड स्ट्रीम। हाउएवर, tiny minority are pathogens, disease causing agents. These pathogens are often called germs or bugs, a threat to all life forms. Let's take a closer look at bacteria and viruses. So ye jitna bhi hai na, matlab sabse pehle ye kya pata hai humne ki do type ke hote hain micro organism, char type ke hote hain, maaf kariyega, algae, fungi, bacteria and virus. Theek hai, chaliye ab jante hain bacteria kya hota hai. तो यू कैन नॉट एस्केप बाई बैक्टीरिया, ओके, क्योंकि वो सभी जगह पे, ठीक है, वो मतलब ना एवरीवेयर, देयर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो जब कितना भी खराब क्लाइमेट इन्वायरमेंट में रहोगे ना, वो सर्वाइव कर लेगा। अ बैक्टीरियम इज जस्ट अ सिंगल सेल विद अ टफ सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट्स इट। तो जो है ना, कुछ बैक्टीरिया होता है उसको जो चारों तरफ से एक टफ सेल वॉल रहता है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है उसे, और काफ़ी डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट शेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे नेसेसरी नहीं है क्योंकि इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एट्थ में ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला है वायरस। तो वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर सो बेसिक एंड टाइनी दैट दे आर नॉट इवन सेल्स एंड आर नॉट क्लासिफाइड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस आर जेनेटिक मटेरियल, DNA और RNA रैप्ड अप इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग कोट मेड ऑफ प्रोटीन। दे कैन नॉट सर्वाइव बाई देमसेल्व्स, सो दे नीड अ होस्ट दैट विल एनेबल देम टू मल्टीप्लाई। अ वायरस विल हाईजैक सेल इन योर बॉडी एंड चेंज द इंस्ट्रक्शन टू ऑफ द सेल, सो दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग वॉट इट वॉज डिजाइन टू डू, द सेल बिगेन्स टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ द वायरस। यानी ये जो वायरस है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, इसीलिए हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। अगला है पैरासाइट। तो दीज लिव इनसाइड इट्स होस्ट ऑर्गेनिजम्स इन अ वेरी अनयूजुअल रिलेशनशिप। इट टेक्स ऑल इट्स फूड फ्रॉम इट्स होस्ट एंड डज नॉट गिव एनीथिंग बैक। पैरासाइट्स कैन लिव ऑन आवर बॉडीज और इन आवर बॉडीज and cause lots of different diseases. Parasitic forms can live in our bodies and make us sick. Some parasitics are microorganisms like protozoa, a single-celled parasite. Diseases like malaria, gyraidia and the protozoa. So, jitna bhi protozoa ke bare mein baat kar rahe na, sab ke bare mein hum aage padhenge. Next part mein zarur padhenge. So, the parasite hota hai, wo basically kuch nahi deta hai, bas apne hi वो अपने ही बेनिफिट के लिए होस्ट के अंदर रहता है और उससे फीड करते रहता है। तो ये तो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, थोड़ा तो हमने पिछले बार भी पढ़ा, अब आगे पढ़ते हैं। दीज आर द वायरल स्ट्रक्चर। इन द सिंपलर viruses, the virion consists of a single molecule of nucleic acid surrounded by a protein coat, the capsid. The capsid and its enclosed nucleic acid together constitute the nucleocapsid. कैप्सिड। तो ये जो भी है ना, ये एक सेल, ये वायरस का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। तो अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा वो बैक्टीरियोफेज का है, जो कि बैक्टीरिया
के ऊपर आता है। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन कोट, फिर होता है न्यूक्लिक एसिड, फिर उसके अंदर डीएनए बनता है, फिर एक शीट होता है लंबा सा, और उसके पैर टाइप होता है टेल फाइबर, ठीक है। तो ये अंदर में ना आरएनए और डीएनए दोनों बनाते हैं, ठीक है। और जो उसे कवर करके रखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन एनवेलप। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो अब हम बात करेंगे प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये काफ़ी आसान चीज़ है, ये कहीं भी रहते हैं। दे लिव इन वाटर, सॉइल एंड इन द एयर। ह्यूमन बॉडी इज द होम टू मिलियंस ऑफ द माइक्रोब्स टू। दे ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रोब्स मेक अस सिक, अदर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड ऑल्सो द प्रोटोजोआ। सो इस सब के बारे में से हमने वायरस के बारे में पढ़ लिया और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, फंगाई और भी डिफरेंट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज के। और हाँ गाइस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो स्पेस में भी रह सकते हैं। इतनी उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो लोग कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन इवन सर्वाइव इन स्पेस। सो नेक्स्ट पार्ट विल कम इन 2 डेज। टिल देन सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट करिएगा, अपना कोई भी क्वेरी हो या सजेशन दीजिए और शेयर करिए। बाय बाय।